रिंटू सिंह हत्याकांड को लेकर अब राजद जो है आर पार की लड़ाई को तैयार है, साथ ही विरोध प्रदर्शन का दौर भी प्रारंभ हो गया है। मुख्य आरोपी के गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इसी को लेकर के जो राजद के कार्यकर्ता हैं आज धरना प्रदर्शन पर उतरे हैं और विरोध जता रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखिए कि ये गिरजा चौक का इलाका है जहां चारों तरफ जो है गाड़ियां लगी हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो एक ही मांग कर रहे हैं कि जो भी आरोपी है उसे गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। साथ ही जो मंत्री लेसी सिंह है उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है। जिलाध्यक्ष जो दिलीप यादव हैं और पूर्व विधायक वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और उनके साथ सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं और सीधे तौर पर मांग की जा रही है कि जो आरोपी हैं उसे गिरफ्तार किया जाए। इसको लेकर के आप देख रहे हैं कि अभी चारों तरफ जो है गाड़ियाँ जहाँ तहाँ लगी हुई हैं और जाम का नज़ारा है। हालांकि पुलिस बल के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं और धीरे धीरे जो गाड़ियाँ हैं उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जो मुख्य रास्ता है जो NH 107 की ओर सामने अगर देखेंगे ट्रक लगा हुआ है, ट्रैक्टर लगा हुआ है। इसके अलावा जो काम के सिलसिले में बाहर निकले हैं उन्हें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हम बात करेंगे जो पूर्व विधायक हैं दिलीप यादव से और जानेंगे कि आखिर ये अगला कदम क्या उठाएंगे और अभी इनकी क्या मांग है। हमारे साथ हैं धमधा के पूर्व विधायक दिलीप यादव, से बात करते हैं और समझते हैं कि जो रिंटू सिंह हत्याकांड है इसको लेकर के क्या कुछ इन लोगों का अगला प्लान होगा, क्या आप लोगों का डिमांड क्या है? डिमांड हम लोगों का पूर्व से चला आ रहा है, जो रिंकू सिंह जी पूर्व जिला पार्षद की जो हत्या हुई सरसी में, अगर सरकार और प्रशासन पूर्व में जो पूर्व जिला पार्षद ने जो थाना में FIR कराने का काम किया था कि मेरे जान माल की क्षति की संभावना है, मेरे ऊपर गोली चली है, अगर त्वरित कार्रवाई होती तो उसकी जान बच जाती और इतनी बड़ी घटना पूर्णिया जिला में नहीं होता। हम लोगों का मांग है और उनके परिवार का, उनकी जो विधवा अभी वर्तमान में जो जिला पार्षद है उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है माननीय जो मंत्री हैं लेसी सिंह जी उन पर, जो उनके इशारे पर मेरे पति की हत्या हुई है। तो हम लोगों का और जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं राष्ट्रीय जनता दल के तमाम लोगों का मांग है कि उनके पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। हमें निष्पक्ष जांच के लिए उनको सरकार को तुरंत त्यागपत्र लेना चाहिए उनसे और यहाँ के प्रशासन पर विश्वास नहीं है, इसीलिए तुरंत CBI से इसकी जांच की मांग की जा रही है। हालांकि कुर्की जब्ती दो आरोपियों की, मैं आपको बताऊं, कुर्की जब्ती तो एक दिखावे के लिए है। पूर्व में सूचना मिल गई, सारे घर के सामान निकल गए उनके और पुलिस अगल बगल UP यहाँ वहाँ घूम रही है और हत्यारा गांव में ही घूम रहा है, उनको वहाँ पकड़ना चाहिए। तो सिर्फ दिखावे के लिए मतलब ही है, दिखावे के लिए। हाँ, तो हम तमाम विपक्ष की मांग है कि CBI से इसकी जांच कराई जाए। अगर आगे इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर आप लोग, हम लोग अनवरत हम लोग काम करते रहेंगे। हम लोगों का मांग है जब तक सरकार से मांग नहीं मनवा लेते हैं तब तक हम लोग अनवरत धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जो अगर कार्रवाई नहीं होती है आंदोलन होगा, हम लोग एक महीना पहले दे चुके हैं। अभी हमारे पूर्व विधायक जी ने आपको बताया ही और हम लोग का सिर्फ ये मांग है कि हमारी ये इस घटना की जांच CBI से हो जाए और जो नामजद अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी अवलंब। हम लोग भी तो यही मांग कर और साजिशकर्ता में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री लेसी सिंह जी का नाम आया है उसकी बर्खास्तगी हो और खुद आगे बढ़े और CBI की जांच की मांग कर ले, क्योंकि उनके खास रिश्तेदारों की हत्या हुई है, उनके परिवार के लोग हैं, वो लोग हमसे ज़्यादा तो उनको चिंता होना चाहिए इस बात का। इसीलिए मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कम CBI की जांच अविलंब हो जानी चाहिए, बस इसी के लिए आज हम लोग का ये है। कल से हम लोग का जो है अनावरत धरना कार्यक्रम रहेगा, हो सकता है कि हम लोग निश्चितकालीन धरना करें, जो भी करें हम लोग कार्यक्रम तय कर रहे हैं, उसके बाद सूचना आपको दे दी जाएगी। रईसुल आजम, राजद नेता, जिला पार्षद 17 के नगर। हम लोग रिंटू सिंह का जो पूर्व जिला पार्षद थे और जब महिला सीट हुआ तो उसकी पत्नी जीती है, हम लोग मांग रिंटू सिंह का हत्या जो किया है ना, अभी तक उसका अरेस्टिंग हुआ है नहीं, उस पर कोनो कानून कार्रवाई हुआ है,
जिस घर पर आदमी को हत्या हुआ आज तक न कोई प्रशासन गया है। हम लोग यही मांग करते हैं कि इसका जांच हो, सीबीआई जांच हो, कोर्ट से जांच हो, जो कि दूध का दूध पानी का पानी हो। इसमें हम लोग ये भी नहीं कह सकते हैं कि कौन है नहीं है, लेकिन जो उसका परिजन है, उसका जो सगे संबंधी है, उसका कहना है कि डायरेक्ट लेसी सिंह मंत्री जी का ही सगे संबंधी हत्या किया। इससे पहले बेनी सिंह का भी हत्या हुआ जिसके चलते उसका टालमटोल हो गया, लेकिन अब जो है इस हत्या से पूरा पूर्णिया का कोसी कमिश्नरी का लोग, जो महागठबंधन और राजद का लोग है, चुप बैठेगा नहीं और चलेगा। आज चक्का जाम है, कल धरना होगा, कल और कुछ होगा, कल हम लोग और निर्णय लेंगे कि क्या करना है। आला कमान हमारा तेजस्वी यादव जी का आह्वान पर हम लोग यह काम कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है शंकर ब्रह्मचारी, राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश सचिव। उन्होंने चक्का जाम का निर्णय लिया, क्या लगता है कि जो आप लोगों की डिमांड है वो पूरी हो रही? इससे पूर्व भी जो है हम लोग धरना देने का काम किए थे, और उसके बाद जब कोई अभी तक एक्शन नहीं हुआ है प्रशासन के द्वारा, तो आज हम लोग चक्का जाम किए हैं। और अभी विधानसभा सत्र भी चल रहा है, और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी आज जो है ये मामला विधानसभा में भी रखेंगे, और उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ जो है सरकार को इस पर पहल लेना चाहिए। ये मामला रिंटू सिंह का जो है सीबीआई जांच होना चाहिए इसका। और अभी जो आरोप लगाया गया है माननीय मंत्री जी पर, लेसी सिंह पर, उन्हें अविलंब जो है बर्खास्त किया जाए, यही हम लोग की मांग है। क्या नाम? अंजनी कुमार शाह, जिला प्रधान महासचिव राजद।